हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। प्रेगनेंसी सिम्टम्स बिफोर पीरियड्स जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद हमें इंतज़ार रहता है गुड न्यूज़ का। तो इस फेज में आप यूट्रस में होने वाले बदलावों को अपने लोअर एब्डोमेन में फील कर सकते हैं, और इसी विषय पे मैं आपको डिटेल में आज बताने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि डेली की जो रेमेडीज और टिप्स मैं फर्टिलिटी के लिए, वुमन हेल्थ के लिए बताती हूँ, वो आपसे मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी एक मांसपेशियों से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और जब प्रेगनेंसी होती है, जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से धीरे धीरे वो बढ़ने और एक्सपैंड होने लगता है, और शिशु के विकास को सपोर्ट करने के लिए उसमें बदलाव होते हैं। इसी प्रक्रिया में अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में होने वाले हल्के खिंचाव, तनाव और पेन को आप समझ के अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेन क्यों होता है, किन वजहों से होता है, इसको हम समझेंगे। यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स वो फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो कि हड्डियों को, मांसपेशियों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब यूट्रस को अपना शेप धीरे धीरे बढ़ाना है, तो उस वजह से जो लिगामेंट्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद वो एक्सपैंड होते हैं, बढ़ते हैं, खींचते हैं। तो इस वजह से यूट्रस के अंदर पीरियड से बिल्कुल हटके, पीरियड में होने वाली क्रैम्पिंग से बिल्कुल हटके, कुछ खिंचाव जैसा, आप लोअर एब्डोमेन में एक भारीपन, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत वेट महसूस हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक जब बहुत तेज यूरिन आती है तो एक प्रेशर फील होता है, कुछ इस तरीके का प्रेशर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान फील हो सकता है, और ये यूट्रस की मसल्स में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। यूट्रस के साथ ही कई महिलाओं को वजाइना में भी एक प्रेशर सा फील होता है, कुछ टीयरिंग टाइप का प्रेशर, जो कि बहुत तेज नहीं होता है, कभी होता है, कभी स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से यूट्रस में और वजाइना में आपको चेंजेस फील होते हैं, कभी टिंगलिंग से फीलिंग हो सकती है, कभी खिंचाव हो सकता है। इस तरह के चेंजेस को अगर आप महसूस करते हैं तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। और यूट्रस में और वजाइना में होने वाली ये फीलिंग पीरियड के आने से पहले होने वाली क्रैम्पिंग, होने वाले दर्द, मरोड़, ऐंठन से काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत हल्की होती है। तो अगर इन चीज़ों को आप बारीकी से अपने शरीर में ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी को बिफोर पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए या अर्ली प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी समझने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उन सभी वीडियोस को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोस को जब आप देखेंगे, जो जानकारियाँ आपको उससे मिलेंगी, उससे आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी और पीरियड दोनों के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें अंतर समझ सकते हैं। साथ ही कई महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होने पे भी पीरियड से जस्ट पहले कुछ सिम्टम होते हैं जो प्रेगनेंसी के जैसे होते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं मैंने कवर किया है, उन वीडियोज़ को आप देखें और लाभ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।